चलिए बात किसानों की करते हैं। हरियाणा के अलग अलग जिलों में बिजली कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। इसके अलावा कहीं ना कहीं किसान भी आंदोलन की बात करते एक बार फिर से नजर आए। किसानों की भी बात करेंगे, लेकिन बिजली कर्मचारी इस समय अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर क्यों गरजे वो आपको दिखाते हैं। हरियाणा के अलग अलग जिलों में बिजली कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। बहादुरगढ़ में एचएसईबी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने बिजली कार्यालय के सामने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द से जल्द मांगे पूरी करने की बात कही। इतना ही नहीं, बिजली कर्मचारियों ने मांगे पूरी ना होने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी। ऐसा जी, कर्मचारियों की काफी लंबित डिमांडे हैं, जिसमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, रिस्क अलाउंस है, हमारे बिजली फ्री यूनिट का है और काफ़ी सारी डिमांडें हैं जो हमारे जेईयों के और एक और ये समय वगैरह लगाने जा रहे हैं घड़ियां वगैरह के। भाई आदमी उससे बंद जाएगा तो अपने घर भी नहीं सो पाएगा। सरकार इतनी ज़्यादा थी कर रही है कर्मचारियों पे, जिसकी कोई हद नहीं है। वहीं बराड़ा के अधोया में भी अपनी मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों ने बिजली कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कर्मचारियों ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और रिस्क अलाउंस देने की मांग की। हमारी जो मुख्य मांगे हैं, जो कच्चे कर्मचारियों को इस सरकार ने आने से पहले कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने की बात की थी, पुरानी पेंशन को लागू करना है, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी है, क्लेरिकल स्टाफ का दुलाई भत्ता है और समान काम समान वेतन लागू करना, रिस्क अलाउंस कर्मचारियों को देना, कोरोना काल में जो हमारे 70 से ज़्यादा कर्मचारी शहीद हुए हैं उनको कोरोना योद्धा का दर्जा देकर उनका जो 50 लाख का हरियाणा सरकार ने बीमा किया था वो प्रदान करना, एक्सग्रेसिया पॉलिसी है जो कर्मचारियों पे लागू तो किया लेकिन टूटी फूटी वो एक सिस्टम से लागू की है जिसका फ़ायदा बहुत कम ही कर्मचारियों को मिल रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं, लगभग 42 मांगों का एजेंडा है। बात चरखी दादरी की करी तो यहाँ पर भी बिजली कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान हड़ताल को लेकर रणनीति भी बनाई गई। साथ ही अल्टीमेटम दिया गया कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को अनदेखा किया तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। यूनिट प्रधान विक्रम सांगवान ने कहा, बार बार सरकार से मांगों को लेकर बात की गई, बावजूद इसके बिजली कर्मचारियों की मांगों को अनसुना किया गया। अब वो अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर 22 फरवरी को हड़ताल पर जाएंगे और जरूरत पड़ी तो दूसरे विभागों का साथ लेकर 23 और 24 फरवरी को भी हड़ताल करेंगे। और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं और हमारे केंद्रीय परिषद का जो भी हमारे लिए आदेश होगा हम उस पर फूल चढ़ाएंगे और सरकार का विरोध करेंगे। सरकार हर बार हमें गुमराह करती जा रही है, हमारी आज तक कोई मांग धरातल पर लागू नहीं हुई है, केवल आश्वासन आश्वासन और आश्वासन। हम केंद्रीय परिषद के आह्वान पर तत्पर हमेशा हमेशा के लिए तैयार रहेंगे और जो उनका आदेश रहेगा हम उन पर फूल अर्पित करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए तैयार हैं। हमारी यूनियन के माध्यम से मैं सरकार को भी चेता रहा हूँ, या तो हमारी लंबी मांगों को मान ले, हमें आश्वासन देकर गुमराह ना करे। केंद्रीय परिषद के आह्वान पर हम आपके साथ ईंट से ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सिरसा में भी पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, समान काम समान वेतन जैसी अन्य मांगों को लेकर हरियाणा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया। बरनाला रोड स्थित विद्युत निगम कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने कर्मचारी एकत्रित हुए और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मांगे पूरी न होने पर 22 फरवरी को प्रदेशव्यापी और 23 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी। इसमें हमारी केंद्रीय परिषद ने हरियाणा सरकार को, निगम मैनेजमेंट को अपना मांग पत्र दिया हुआ है जो कि पिछले काफ़ी समय से पेंडिंग है और लगातार इसके ऊपर हमारे जो प्रयास केंद्रीय परिषद ने किए कि किसी तरीके से मीटिंग करके केंद्रीय परिषद की मांगों पर गौर किया जाए, जिसके ऊपर गौर नहीं किया गया, उसी के एवज के अंदर केंद्रीय परिषद ने फैसला लेते हुए 22 फरवरी 2022 को हमने एक दिन जो बिजली बोर्ड की सांकेतिक हड़ताल करने का फैसला लिया है। बिजली कर्मचारियों ने साफ साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वो हड़ताल पर जाएंगे और देखना यही होगा कि कब तक इनकी मांगों की तरफ ध्यान दिया जाता है। बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़, बराड़ा से अनिल कुमार, चरखी दादरी से प्रदीप साहू, सिरसा से नकुल जसूजा की रिपोर्ट, खबरें तक।